नमस्कार मित्रों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का अपने YouTube चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए, थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए जो कलाम एकेडमी सीकर के द्वारा पेपर आयोजित करवाए गए थे प्री एग्जाम, तो उसके अंदर अपने लेवल वन का पेपर पहले वाली वीडियो में देख लिया था और ये लेवल टू का पेपर है। इसके अंदर अभी 1 से 80 तक के जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये लेवल वन और लेवल टू के लिए कॉमन है और बचे हुए क्वेश्चन है वो SST का है, तो आप दोनों लेवल वाले इसको देख सकते हैं वैसे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आलिया एग्जाम क्विज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, बालातल सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया था? तो ये प्रोफेसर VN मिश्र के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, रोमन एम्फोरा बेराट, तो ये इसके अंदर सही सम्मिलित नहीं है। देखिए, टेराकोटा निर्मित वर्षा आकृति आहाड़ में है और हाथी दांत का कंगा ये कालीबंगा सभ्यता है। 99% शुद्ध ताम्र उपकरण ये गणेश्वर सभ्यता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देबारी समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो देबारी समझौता हुआ था ये 1708 में, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जयपुर में मदरसा ए हुनरी की स्थापना किस शासक ने की थी? तो स्वाई राम सिंह द्वितीय ने। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी कहाँ पर, वर्धा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, मध्यकालीन राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, मटक विछायत सुरसाई आदि का संबंध राजस्व रिकॉर्ड से था, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें असत्य कथन है। पहला कथन देखिए यहाँ पर ए वाला है, राजा के नियंत्रण में भूमि खालसा कहलाती थी और राजवी सरदार मुत्सदी व गनायत मारवाड़ राज्य में प्रचलित सामंतों की श्रेणी थी और भूमि बंदोबस्त की जो साध प्रथा मेवाड़ राज्य में प्रचलित थी, ठीक है, दास प्रथा यहाँ पर, ठीक है, दास प्रथा। तो इसके अंदर सी वाला जो ऑप्शन है ये असत्य कथन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, नीमच के क्रांतिकारी सैनिकों ने दिल्ली जाते समय किस सैनिक छावनी को लूटा था? तो यहाँ पर हो जाएगा देवली, ठीक है, देवली। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, परम वीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? तो ये 8 के अंदर हो जाएगा पीरू सिंह। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद बलवंत सिंह मेहता, तो ये इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। देखिए, जैसलमेर राज्य प्रजामंडल मिठालाल व्यास, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल भोगीलाल पंड्या और झलावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भव्य। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भील जनजाति के उत्थान हेतु जल जंगल व जमीन आंदोलन किसने चलाया था? तो राइट आंसर यहाँ पर मामा बालेश्वर दयाल के द्वारा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 के अंदर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान की निम्नांकित रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम है? देखिए, इसके अंदर पहले भरतपुर, फिर उदयपुर, फिर मारवाड़, फिर अजमेर, ठीक है, तो ये आरोही क्रम है। 1, 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के किस किसान आंदोलन की गूंज ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमंस में उठी थी? तो 12 नंबर के अंदर हो जाएगा सिकर किसान आंदोलन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? तो यहाँ पर 31 अक्टूबर 1983 को, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2022 में राज्य सरकार के द्वारा 4 विभागों की 5 योजनाओं को स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया, इन 5 योजनाओं में शामिल कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, IM शक्ति उड़ान योजना, ठीक है, तो 14 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से असम्मिलित की पहचान कीजिए, खिलाड़ी और इधर है खेल, तो यहाँ पर कृष्ण नागर पैरा शूटिंग, ठीक है, तो ये इसके अंदर असम्मिलित है। पहला ही मगन सिंह जो राजवी हैं फुटबॉल से संबंधित है, गोरांशी शर्मा ये बैडमिंटन से संबंधित हैं और सविता पुनिया हॉकी से संबंधित हैं, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र नहीं है? तो 16 के अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 16 के अंदर ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, देलवाड़ा के जैन मंदिर समूह में सम्मिलित मंदिर कौन सा नहीं है?
तो यहाँ पर भीमशाही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये L1 के अंदर जो पहले वाला पेपर था उसमें शायद सी बता दिया था, तो उसको सही कर लेना आप। इसके अंदर हो जाएगा भीमशाही होगा, ठीक है बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर से यहाँ पर चयन कीजिए। तो उद्योग और दर है स्थान, तो 18 के अंदर देखिए एक यहाँ पर देखिए राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स है, ये डीडवाना नागौर में है, और हाईटेक ग्लास फैक्ट्री ये धौलपुर में है, मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर, और जेके सीमेंट ये निम्बाहेड़ा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव यहाँ पर श्रीमती उषा शर्मा है, और राजस्थान में जिला कलेक्टर को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है न तो एक व न दो, तो ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7-8 अक्टूबर 2022 को आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 में लगभग कितने करोड़ रुपये के MOU हस्ताक्षरित हुए हैं। तो 20 के अंदर हो जाएगा 10.44 लाख करोड़, ठीक है 20वां का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, फलों के प्रसंस्करण के द्वारा राजीविका से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राजीविका की किस संस्था के साथ MOU हस्ताक्षरित हुआ है। तो 21 के अंदर हो जाएगा देखिए बी हो जाएगा जोवाकी एग्रोफूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, अक्टूबर 2022 में राजस्थान में 5वीं इंटरनेट सेवा का सांकेतिक शुभारंभ कहाँ से किया गया था। तो 22 के अंदर हो जाएगा नाथ द्वारा राजसमंद से, ठीक है 22 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पहले चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा राजीव अरोड़ा को, किसको, राजीव अरोड़ा को। 24 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार कमला रंगा को उनके किस कृति के लिए दिया गया था। तो ये हो जाएगा अलेखु अम्बा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी निशा कंवर कौन से खेल से संबंधित हैं। निशा कंवर, तो 25 के अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निशानेबाजी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्न कथनों में से मल्लिनाथ के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, मल्लिनाथ के संबंध में असत्य कथन कौन सा है यहाँ पर। तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने 1378 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। तो ये इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए उगम सिंह भाटी के शिष्य थे ये, तिलोड़ा बाड़मेर में इनका मुख्य मंदिर है, और इन्होंने 1399 ईस्वी में मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके वृहदहरि कीर्तन आयोजित करवाया था। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए, संत मावजी तो ये निष्कलंक संप्रदाय से संबंधित थे, और हरिदास जी थे निरंजनी संप्रदाय से संबंधित, और संत रामचरण ये रामसनेही संप्रदाय, और संत जाम्बोजी है विष्णुई संप्रदाय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, बीकानेर जिले के कोलायत में कपिल मुनि का मेला कब भरता है। तो कपिल मुनि का मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को, बी ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा सीनूपुर गला। ठीक है, देखिए ना दामना अंगुली का आभूषण है, मोकड़ी हाथ और टोटी कान का है, तो ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, पारदर्शी वेशभूषा किस चित्रशैली की अपनी विशेषता है। तो 30 के अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागौर चित्रशैली। 31 नंबर क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का बस्सी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो बस्सी है चित्तौड़गढ़ का ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काष्ठ कला के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 31 के अंदर, काष्ठ कला के लिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32, तोपखाना मस्जिद जो पूर्व में परमार शासक भोज के द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी किस दुर्ग में बनी हुई है। तो 32 के अंदर हो जाएगा देखिए झालोर दुर्ग। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33, डूंगरपुर के निकट स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। तो ये परिमल देवी के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करके सत्यकूट का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए, वाल्दर नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, और वाल्दर सिरोही क्षेत्र की ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। तो दूसरा और तीसरा, ठीक है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा गोडवाड़ी, ठीक है सी। इसके बाद देखिए 36 नंबर क्वेश्चन,
देखिए निम्न कथनों पर विचार करके सत्य कूट का चयन कीजिए। तो राजस्थानी भाषा का विकास मरु गुजर अपभ्रंश से हुआ है और डॉक्टर गिरीशन ने राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य वर्गों में बांटा है। तो इसके अंदर होगा 1 और 2, सत्यकूट है 1 और 2, ठीक है, पहला और दूसरा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 37 के अंदर हो जाएगा डी, सूर्यमल मिश्रण सेनानी। देखिए माधुदास जो ददवाड़िया हैं, रामरासो ईसरदास हरिरस और पृथ्वीराज राठौर वेरली किशन रुकमणी। तो ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपन्यास नथमल जोशी का नहीं है, नथमल जोशी का नहीं है। तो यहाँ पर जोग और संजोग डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, विजय दान देता के संबंध में असत्य कथन है। तो यहाँ पर असत्य कथन है ऑप्शन नंबर डी, इनको 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो ये इसके अंदर गलत है, ठीक है। देखिए इनका जन्म होता बोरंदा जोधपुर में और लोक कथा दुविधा पर अमोल पालेकर ने पहली नामक फिल्म बनवाई थी और इनकी लोक कथा संग्रह बातारी फिल्मवार में 14 खंड है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर असत्य है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40, देखिए गेहूँ यहाँ पर फसल है, इधर उपज उच्च उपज किस्म, तो गेहूँ की हो जाएगी राज 377, चना की है दाहोद येलो और बाजरा की है RHB 30 और मक्का की हो जाएगी माही कंचन, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो पहला है यही इसका सत्य कथन है। इसके बाद देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, नदी सहायक नदी को सम्मिलित कीजिए। तो साबरमती नदी ये वक्कल हो जाएगी, ठीक है, बनास की ढाई, लूणी की सागी और माही की हो जाएगी अनास, ठीक है। तो 41 के अंदर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4321। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जिला सम्मिलित नहीं है। तो 42 के अंदर हो जाएगा सवाई मानसिंह जयपुर, ठीक है, ए, केसरबाग धौलपुर में है, बंद बारेटा भरतपुर और शेरगढ़ है 12 में। 43 नंबर क्वेश्चन है, बील जनजाति के संबंध में असत्य कथन है, बीलों के संबंध में। देखिए इनको घर को कू कहा जाता है, इनके द्वारा मैदानी बागों में किचन स्थानांतरित कृषि को दजिया कहा जाता है और फायरे फायरे इनका रणगोश है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इनके पंचायत का मुखिया सहलोत कहलाता है, तो सहलोत ग्रासिया जनजाति का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक ग्रामीण लिंगानुपात व सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात क्रमशः किन जिलों का है। तो 44 के अंदर जाएगा पाली और धौलपुर का, पाली और धौलपुर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से पर्वत चोटियों का सही आरोही क्रम होगा। तो 45 के अंदर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, डोरा पर्वत, फिर खो, सज्जनगढ़ और दोनिया डूंगर। इसके बाद देखिए 46 नंबर, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। तो 46 के अंदर हो जाएगा डी, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। इसके बाद देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म कौन सा है। तो यहाँ पर CWG सीकर झुंझुनू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए BSHW नागौर जालौर, BWSW बीकानेर और गंगानगर, AW बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ठीक है, CWG ये इसमें पूर्वी क्षेत्र रहता है, पूर्वी। इसके बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड जनित क्रेटर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, देखिए रामगढ़ 12 में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म है, असम्मिलित युग्म। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, वलेस्टोनाइट, कुशलपुरा व जनकपुरा, मैगनीज कालाखूंटा, रोकपासपेट, बिरमानिया फतेहगढ़ और पन्ना कालागुमान तिक्की क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है। तो ये राजसमंद से नहीं गुजरता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म है। तो कौन सा यहाँ पर असम्मिलित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल 2019। तो ये इसके अंदर असम्मिलित है, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022, पर्यटन नीति 2020 और राजस्थान पारिस्थितिक पर्यटन नीति 2021। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन है। तो 52 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शालदर वन अरावली के पश्चिमी पाए जाते हैं। तो ये गलत है, राजस्थान में सागवान उष्ण पतझड़ी वनों में पाया जाता है और उपोष्ण पर्वतीय वन माउंट आबू में पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल सुरक्षित वन पाए जाते हैं। तो
सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए 53 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है, गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में है? तो 53 में जाएगा बी तुम्बली बाड़मेर। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, चिकित्सा क्षेत्र में काम में आने वाले मशीनों में मुख्य रूप से किस प्रकार के कंप्यूटर उपयोग में लाए जाते हैं? तो यहाँ पर जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कंप्यूटर के आगामी युक्तियों से संबंधित हैं? तो 55 में जगह ट्रैक बोल, डिजिलाइट, डिजिटाइजर और माइक सी। 56 नंबर क्वेश्चन है, उपग्रह के द्वारा संचरण में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती हैं? तो 56 में जाएगा बी सूक्ष्म तरंगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो 57 में जाएगा नेविगेटर ए। इसके बाद देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, कौन सा विकल्प एक गवर्नेंस के चार प्रमुख स्तंभों को दर्शाता है? तो यहाँ पर जाएगा लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन। ठीक है, 58 के अंदर हो जाएगा सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69, सितंबर 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 20 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए अनुसूची के संशोधन की में कक्षा 6 से 8 के लिए प्रत्येक दिव्यांग बालकों पर एक विशेष शिक्षक का प्रावधान किया गया है? तो 69 के अंदर जाएगा यहाँ पर 15 बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में बाल अधिकार का संरक्षण वर्णन है? तो 60 के अंदर हो जाएगा डी अध्याय नंबर 6। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61, आरटीई अधिनियम 2009 के तहत निम्नलिखित में से असत्य प्रावधान है? तो 61 के अंदर देखिए धारा 23 के तहत शैक्षणिक प्राधिकरण एनसीटीई है, धारा 17 में बालक के शारीरिक मानसिक उत्पीड़न रोक है और धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात का प्रावधान है। तो ये तीनों सत्य हैं। इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, धारा 33 के तहत राज्य सलाहकार परिषद के गठन का उल्लेख है, तो ये इसके अंदर असत्य कथन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के नियम 5 के तहत विद्यालय विकास योजना कितनी वर्षीय होगी? तो 62 के अंदर हो जाएगा 3 वर्षीय। 63 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के किस नियम के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर प्रमाण पत्र प्रदान करने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो 63 के अंदर जाएगा यहाँ पर नियम 23 बी। 64 नंबर क्वेश्चन है, आरएसईआरटी द्वारा संचालित विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो पर प्रतिदिन कितने समय अवधि के लिए किया जाता है? तो यह ऊपर हो जाएगा देखिए 64 के अंदर हो जाएगा यहाँ पर 55 मिनट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 55 मिनट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65, राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 2015-16 में चलाए गए समन्वित कार्यक्रम SIQE का पूरा नाम क्या है? तो 65 के अंदर जाएगा स्टेट इंसेंटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान अनुसार राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा विकसित करने हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा कितनी स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है? तो 66 में जाएगा बी 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का जो सदस्य सचिव होता है वो कौन होता है? तो यहाँ पर होगा प्रधान अध्यापक। इसके बाद देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में आरटीई के द्वारा 12(1)(ग) के तहत निःशुल्क प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो 68 के अंदर देखिए तीसरा और चौथा, इसमें क्या पूछा है? देखिए यहाँ पर पूछा है असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीसरा और चौथा इसके अंदर असत्य है। देखिए तीसरा क्या है कि वर्ष 2016 और 17 से ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया गया और निर्बल वर्ग के लिए न्यूनतम आयु सीमा 1.50 लाख रुपये। तो तीसरा और चौथा इसमें असत्य कथन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69, स्टार्स STARS योजना के तहत भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हेतु कौन सा राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया गया? तो 69 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परख। इसके बाद देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के उद्देश्य हैं? तो देखिए इसके अंदर तो सभी हो जाएगा। देखिए पहला है कि राज्य में बालक बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करते हुए बालिका का समग्र विकास करना और बालिका का विद्यालय में नामांकन ठहराव सुनिश्चित करना, बालिका को समाज में समानता का अधिकार दिलाना और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसके अंदर 1, 2, 3 और 4।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71 मनोवैज्ञानिक और इधर है सिद्धांत। देखिए स्पेयर मैंने दिया था त्रिविमीय सिद्धांत और स्पेयर ने मैंने द्विखंड का सिद्धांत दिया था, ठीक है। इसके बाद थ्रस्टन, तो थोंडाई ने बहुखंड का सिद्धांत दिया और थ्रस्टन ने दिया था, थ्रस्टन ने कौन सा दिया था, समूह कारक सिद्धांत दिया था थ्रस्टन ने, ठीक है, समूह कारक सिद्धांत। थोंडाई का बहुखंड सिद्धांत, स्पेयरमैन द्विखंड का सिद्धांत और गिलफोर्ड त्रिविमीय सिद्धांत। तो कौन सा होगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर बी 5, 1, 2 और 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का एक पक्ष नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा दबाव। देखिए आवश्यकता, प्रोत्साहन और अंतर्नोद, ठीक है, दबाव इसमें ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर क्वेश्चन है असुमेलित छांट की, तो यहाँ पर हो जाएगा बांडुरा अनुभवजन्य अधिगम बी। इसके बाद देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है आईएनजेक प्रश्नावली में एक व्यक्ति को समाज विरोधी आक्रामकता अहम केंद्रितता संबंधी समस्या है, उसका संबंध है, तो ये इससे हो जाएगा मनस्तापिता बनाम सामाजिकता सी। 75 नंबर क्वेश्चन है एक व्यक्ति गरिष्ठ भोजन करने से पहले एसिडिटी की गोली ले लेता है, यह एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, ऋणात्मक पुनर्बलन का। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 76 समायोजन की अप्रत्यक्ष युक्ति कौन सी नहीं है, तो सोच समझकर लक्ष्य परिवर्तित करना बी। 77 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान कौन सा नहीं है, तो 77 में जाएगा नियामक। इसके बाद देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है सृजनात्मक बालक में होगी, तो यहाँ पर जाएगी उपयुक्त सभी, लचीलापन, धारा प्रवाहिता और मौलिकता। इसके बाद देखिए 79 डिसलेक्सिया में शामिल है, तो 79 के अंदर क्या हो जाएगा, देखिए कक्षा में पाठ पढ़ने में कठिनाई और बोर्ड पर लिखे अक्षरों की पहचानने में कठिनाई, तो सी हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है असंगत युग्म का चयन कीजिए, तो 80 में जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लेमार्क प्रत्यागमन, ठीक है, 80 के अंदर ऑप्शन नंबर डी। तो ये 80 क्वेश्चन कॉमन है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है निम्नांकित सैंधव सभ्यता स्थल व उनकी अवस्थिति में सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है आलमगीरपुर सिंध, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82 सैंधव सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, तो यहाँ पर जो असत्य कथन है ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, मोहनजोदड़ो से नहर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए पहला देखिए इसके अंदर ए ऑप्शन है चंद्रहुदड़ो में शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था और नागेश्वर तथा बालाकोट समुद्र तट के समीप स्थित सैंधव बस्तियाँ थी, ओमान से एक हड़प्पा मर्तबान प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए ऋग्वेदी काल से संबंधित निम्न कथनों में असत्य हैं, तो यहाँ पर असत्य कथन पूछा है, तो देखिए पहला है ऋग्वेदिक युग के निवासी मूलतः प्रकृति पशक थे, इस काल में धार्मिक जीवन सरल व आडंबर रहित था और ऋग्वेदिक युग में अग्नि इंद्र और सोम प्रमुख देवता थे, ठीक है, तो ए बी सी इसके अंदर करेक्ट है, असत्य कथन है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इस काल में राजा अधिनायकवादी था, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। 84 क्वेश्चन देखिए 84 नंबर वह अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत पर भी था, तो 84 के अंदर जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 85 है भूमि हमारी माता है और हम उसकी संतान हैं, उक्त जो उल्लेख है किस वेद में हुआ है, तो ये हुआ है अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 86 है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, तो यहाँ पर असत्य कथन ऑप्शन नंबर डी पार्श्वनाथ का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ, तो ये इसमें असत्य है। देखिए पार्श्वनाथ ने समवेत पर्वत पर ज्ञान व निर्माण प्राप्त किया था, पार्श्वनाथ ने चातुर्यन धर्म का प्रतिपादन किया था और पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर चलने वालों को निर्ग्रंथ कहा जाता था, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित महाविनिष्क्रमण का तात्पर्य है भगवान बुद्ध के, तो भगवान बुद्ध के किससे हैं ये ग्रह त्याग से। इसके बाद देखिए 88 नंबर क्वेश्चन महाजनपद व उनकी राजधानी में सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अस्मक हस्तिनापुर, ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। 89 बुद्ध धम्म एवं संघ का उल्लेख अशोक की शिलालेख से प्राप्त होता है, तो ये किस शिलालेख से होता है बाबरू की शिलालेख से, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 90 स्वतंत्रकालीन शासकों के संदर्भ में असत्य हैं, तो
तो कौन सा यहाँ पर असत्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीवान ए कोही की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, तो सी इसका करेक्ट आंसर है, ये सत्य है इसके अंदर। ठीक है, देखिए बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी, और मोरक्को निवासी इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 90 के अंदर ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए 91, शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का पहला जो मकबरा था तो वह कौन सा था, तो 91 के अंदर जाएगा सी, बलबन का मकबरा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92, मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमीन, साम्राज्य का वित्तीय विवरण रखने वाला। ठीक है, देखिए जम्मा निर्धारित भू राजस्व, हासिल वसूला गया भू राजस्व, और अमिल गुजार राजस्व वसूली करने वाले व उनके कार्यों की सूची, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। 93, अकबर ने जरीन कलम सोने की कलम की उपाधि किसे दी थी, तो 93 के अंदर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन को। ठीक है, 93 के अंदर ए। 94, महोबा विजय के उपरांत पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किसे महोबा का अधिकारी नियुक्त किया था, तो 94 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजुन राय। इसके बाद देखिए 95, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक या सदस्य थे, तो 95 में हो जाएगा देखिए चंद्रशेखर आज़ाद, सच्चिदानंद सानियाल और राम प्रसाद बिस्मिल, तो सिक्स इसका करेक्ट आंसर, 1, 2, 4। 96, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में असत्य हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा असत्य ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रस्ताव के अनुसार भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी थी, तो ये इसके अंदर असत्य हैं। देखिए सत्य कथन है, इसका उद्देश्य भारतीय नेताओं का द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन हासिल करना था, और गांधी जी ने इसे उत्तर दिनांकित चेक की संख्या दी, और इसमें भारतीय संघ निर्माण का प्रस्ताव शामिल था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी, तो 97 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल ने। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 98, कांग्रेस ने किस या किन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो 98 के अंदर हो जाएगा बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसके बाद देखिए 99, निम्न में से किसके तहत संविधान का निर्माण हुआ था, तो ये होता मंत्रिमंडलीय योजना सी। इसके बाद देखिए 100, भारत का संविधान विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाता है, यह प्रक्रिया निम्न में से किस देश से ली गई है, तो ये ली गई है जापान से। इसके बाद देखिए 101 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो भारत शब्द का यहाँ पर 2 बार प्रयोग हुआ है। इसके बाद देखिए 102, अनुच्छेद 29(a) के तहत अल्पसंख्यक वर्ग हैं जिसकी, तो यहाँ पर हो जाएगा अपनी विशेष भाषा लिपि एवं संस्कृति है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। 103, अनुच्छेद 39(k) के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी नागरिक या अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय हासिल करने के अवसरों में से वंचित नहीं रहे, इसलिए राज्य निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आर्थिक। इसके बाद देखिए 104, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध के मामले में राष्ट्रपति के दोनों सदनों के बीच गतिरोध के समाधान के लिए कदम उठाने का पाबंद है, तो ये हो जाएगा समर्थकारी। 105, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का गंभे जैसा कि समरसता तथा समान भारतत्व की भावना के निर्माण के लिए मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित हैं, शब्दों का सही क्रम निम्नांकित में से कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा धर्म, भाषा, प्रदेश या फिर वर्ग बी। 106, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है, तो ये किसमें निहित है, संसद में। इसके बाद देखिए 107, असम्मिलित की पहचान कीजिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जाएगा, संसद में विनियोग विधेयक अनुच्छेद 116, तो ये इसके अंदर असम्मिलित है। सत्य कथन, यहाँ पर संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112, संसद सदस्यों की वेतन भत्ते अनुच्छेद 106 और संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। 108, अनुच्छेद 192 के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदन किसी सदस्य की निर्हरता के प्रश्न पर राज्यपाल किसकी राय के अनुसार विनिश्चय करेगा, तो 108 में जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग। 109, निम्न में से कौन सा आयोग समिति संवैधानिक निकाय है, तो 109 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए बी में 1, 2 और 3, ठीक है 1, 2 और 3, राज्य वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग और महानगर योजना आयोग, तो 1, 2 और 3, ठीक है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 110 नंबर देखिए,
राजस्थान से प्रथम महिला लोकसभा सांसद गायत्री देवी किस लोकसभा से लोकसभा में निर्वाचित हुई थी? तो 110 में जाएगा तीसरी, ठीक है, 110 में ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए 111, निम्न में से कितनी न्यूनतम जनसंख्या होने पर कोई नगर पालिका अपने प्रादेशिक क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन कर सकती हैं जो एक या अधिक वार्डों से मिलकर बनती हैं? तो 111 में जाएगा ऑप्शन नंबर बी 300,000। इसके बाद देखिए 112, निम्न में से कौन सा भारत की संज्ञात्मक व्यवस्था में एकात्मक तत्व नहीं है? तो 112 में जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र न्यायपालिका। 113, 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्न से कौन सा राज्य सूची का विशेष समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया? तो 113 में जाएगा डी जनसंख्या नियंत्रण। 114, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए दूसरा और चौथा, ठीक है, दूसरा और चौथा इसके अंदर सत्य है। देखिए बसंत विश्व 21 मार्च को और विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी गणित 23 सितंबर व 21 मार्च को पढ़ दिया, तो 2 और 4 इसके अंदर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 115, प्रमुख यमोत्तर का मान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री। 116, विषुवत वृत्त के ऊपर शोभ सीमा में वायु का तापमान होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा -80 डिग्री सेल्सियस। 117, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बनने वाले वायु प्रसंचरण कोष्ठ हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हेडले कोष्ठ। 118, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है, तो फंडी की खाड़ी में, डी हो जाएगा। 119, निम्न में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की नहीं है? तो कौन सी नहीं है, ये हो जाएगा कैलिफोर्निया की धारा ए। इसके बाद देखिए 120, पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल में बर्फ छत्र के रूप में जमा हुआ है, तो 120 में जाएगा 2%, कितना 2%। इसके बाद देखिए 121, कौन सा असम्मिलित है वृक्ष और वनस्पति प्रदेश, तो असम्मिलित पूछ रहा है यहाँ पर, असम्मिलित कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाला, ठीक है, एस भूमध्य सागरीय वन, ये असत्य है। देखिए सत्य है देवदार शंकुधारी वन, आबनूस ये उष्ण सदाबहार वन, और साल है उष्ण पर्णपाती वन, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। 122, देखिए सिल्वर फॉक्स व मिंक वन्य जीव पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं कहाँ पर, शंकुधारी वनों में, बी इसका करेक्ट आंसर है। 123 में देखिए लद्दाख जो लद्दांग है ये बोले जाए मलेशिया, और मिल्पा मेक्सिको, रोका में जाएगा ब्राज़ील, और कैंगिर फिलीपींस, पहले मिला हुआ है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए 124, जापान का मैनचेस्टर, ठीक है, जापान का जो मैनचेस्टर है वो किसको कहा जाता है, तो ओसाका को, किसको, ओसाका। इसके बाद 125 नंबर है, सूती वस्त्र है तो महाराजा उमेद सिंह मिल की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो ये कहाँ पर की गई थी, ये हो जाएगी पाली में। और 126 है, राजीव गांधी कृषक साथी योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो ये योजना 2009। इसके बाद देखिए 127, GDP तथा GNP के बीच का अंतर होता है, तो यहाँ पर कितना अंतर होता है, यहाँ पर हो जाएगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, बी। 128, UNDP के द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2021 के संबंध में भारत की स्थिति के संबंध में असम्मिलित हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बी, स्कूली शिक्षा के प्रत्याशित वर्ष 6.7 वर्ष, तो बी इसका करेक्ट आंसर है, इसमें असम्मिलित हो गए बी। जीवन प्रत्याशा 67.2% 2 वर्ष, और प्रति व्यक्ति आय तो ये कितना है, एस 65 नंबर, और HDI रैंक 132, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। 129 है, वर्ष 2011-12 में तेंदुलकर समिति के अध्ययन के अनुसार भारत में क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में निर्धनता अनुपात है, तो 129 में जाएगा बी, ठीक है, 25.7 और 13.7 बी। 130, किस वर्ष भारत की स्थिर कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक गिरावट देखी गई है, तो ये हो जाएगा डी 2020-21। इसके बाद देखिए 131, भारत के कुल रोजगार में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस क्षेत्र की है, तो 131 में जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। 132, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 132 में जाएगा डी, न तो एक और ना ही दो, यहाँ पर एक और दोनों सत्य नहीं है, मतलब न तो एक और ना ही दो, यहाँ पर सत्य पहुँचाएं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। 133, औद्योगिक नीति 1956 में उद्योगों के 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, इसके तीसरे वर्ग में सम्मिलित उद्योग कौन सा है, तो 133 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।
134। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो 134 में क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयात अधिशेष। 135, प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था की विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति कहलाती है। तो क्या कहलाती है? 135 में जाएगा डी, उदारीकरण। 136, RBI का शाख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है। तो 136 में जाएगा, देखिए, तीन व चार नैतिक दबाव और शाख राशनिंग, सत्य कूट है 3 और 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 137, WTO के संबंध में असत्य कथन है। यहाँ पर असत्य कथन है ऑप्शन नंबर पहला, WTO IBRD की अनुवर्ती संस्था है। तो ये इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये असत्य कथन है। ठीक है, सत्य कथन इसमें, WTO की स्थापना 1995 में हुई थी और भारत WTO का संस्थापक सदस्य देश हैं। WTO के वर्तमान महानिदेशक नगोजी ओकोंजो इविला है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 138, सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी है, एग्गोमार्क, विपणन व निरीक्षण निदेशालय के द्वारा उत्पादों की गुणवत्ता निर्धारण हेतु। ठीक है, डी। 139, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम गेहूं किस दर पर उपलब्ध कराए जाते हैं? तो ये हो जाएगा राइट आंसर, 1 रुपये प्रति किलोग्राम। इसके बाद देखिए 140, वैश्विक खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो यहाँ पर हो जाएगा 68वां। 141, औपचारिक और अनौपचारिक निम्न में से किस विधि के रूप हैं? तो ये हो जाएगा सामाजिक अभिव्यक्ति विधि। उसके बाद देखिए 142, उपचारात्मक शिक्षण के दौरान क्या उपाय किए जाते हैं? तो यहाँ पर जाएगा, देखिए 1-3-4, एक छोटे छोटे समूह बनाकर शिक्षण करना और अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन और अधिक से अधिक अभ्यास मालाओं का उपयोग। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। 143, नैदानिक परीक्षण का तात्पर्य क्या है? नैदानिक परीक्षण, तो यहाँ पर हो जाएगा अधिगम कठिनाइयों का कारणों का पता लगाना, सी। 144, विद्यार्थी के किसी एक परीक्षण की उत्तर पुस्तिका किसी एक परीक्षक के द्वारा जांचने पर 80 अंक यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसी परीक्षण की उत्तर पुस्तिका को दूसरे परीक्षक के द्वारा जांचने पर 50 अंक प्राप्त होते हैं। तो इस परीक्षण में कौन सा अवगुण विद्यमान है? तो 144 में क्या हो जाएगा राइट आंसर, देखिए यहाँ पर हो जाएगा विषम निष्ठता। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर 144 में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 145, पारदर्शी व अपारदर्शी दोनों प्रकार की वस्तुओं को प्रदर्शित करने हेतु उपयुक्त सामग्री कौन सी है? तो 145 में जाएगा एपिडाई स्कोप। 146, निम्न में से कौन सा विकल्प प्राय योजना कार्य के क्रम से प्रथम पद व अंतिम पद को दर्शाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा डी, परिस्थिति प्रदान करना और प्रोजेक्ट का अभिलेखन, डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 147, निम्न से कौन सा पद मॉरिसन उपागम व हर्बर्ट उपागम दोनों में समान है? तो राइट आंसर है प्रस्तुतिकरण, सी। 148, शिक्षण उपागम और उसके प्रतिपादक के संबंध में असंगत को छांटिए। तो 148 में जाएगा सी, हर्बर्ट उपागम, हर्बर्ट स्पेंसर, सी। 149, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को दर्शाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त चार्ट कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा समस्या चार्ट। और क्वेश्चन नंबर 150 है, अर्धवार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा क्रमशः किसका उदाहरण है? तो ये दोनों ही किसका उदाहरण है, दोनों ही योगात्मक मूल्यांकन का। ठीक है, तो ये हो गए SST के पूरे 150% के, कितने 150, और L1 का पिछली वीडियो में अपन ने पूरे 150% कर दिए थे। ठीक है, बचे हुए जो SST के अलावा हिंदी साहित्य हैं और हिंदी का और साइंस मैथ का है, तो जो भी बचे हुए पेपर हैं वो अपन लेकर आने वाले हैं अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और उत्कर्ष के भी जो परीक्षा जो पेपर था वो भी आपको मैं YouTube पर करवा दूंगा और PDF आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।